हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप सभी लोग, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। गुड इवनिंग अक्षिता, निमाई दास, जे आर एफ, सुमित्र, मोइत्री, मोनालिशा, मोनिका, अर्सी, शशांक, जाकिया बानो, सभी को गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। जो आधुनिक भारत से जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। 20 MCQs हैं जो आज हमें करने हैं। 20 MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्रैश कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था। क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और अभी तक हमने जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है गाइस, उस टॉपिक को कंप्लीट किया है। यूरोपियन पावर भारत में कैसे आती है उसको कंप्लीट किया है। और आज हम 20 MCQs हैं जो कि मॉडर्न इंडिया से हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जितने भी गाइस आपके ग्रुप से वहां पे एक बार शेयर कर दो फटाफट से आप सभी लोग। उसके बाद में गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और अगर आपको प्लस पे पढ़ना है और कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू दोनों आपको तैयार करने हैं, तो आप मेरा प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो हमारा कोर्स चला है पेपर वन का, वो है कंप्लीट हायर एजुकेशन का कोर्स। उसके बाद में पेपर टू का आपका कोर्स आने वाला है गाइस, हिस्ट्री का, जिसमें हम एनसीईआरटी करने वाले हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स है आपका, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है। 6 to 12 का जो कोर्स है उसको हम लॉन्च करेंगे। उसके बाद में इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू दोनों आपके तैयार होंगे। और जो रेफरल कोड है गाइस, वो है मेरा शिव10। और इसको अप्लाई करें, इससे मिलेगा आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और जो आपकी फीस है 11,550, वो कम हो जाएगी आपकी 10,350 अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करोगे शिव10। उसके बाद में गाइस, आपका जो प्राइस है वो भी हाइक होने वाला है। और ऑलमोस्ट 30-40% आपका प्राइस है वो हाइक होगा आने वाले दिनों में। तो आप जल्दी से जल्दी जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसको ले लीजिए। एक या दो दिन में आपका प्राइस है वो हाइक होने वाला है। तो जिसको भी प्लस ज्वाइन करना है, वो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाद में आपकी फी भी ज्यादा लगने वाली है। उसके बाद में गाइज, ये मेरा प्रोफाइल है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो भी प्लस क्लास है, स्पेशल क्लासेस है, उनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और आज की जो स्पेशल क्लासेस है, फ्री स्पेशल क्लासेस, वो है आपकी 8:30 बजे मिडाइवल हिस्ट्री MCQ करेंगे हम। और पेपर वन की क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। और जब भी आप कोड ज्वाइन करेंगे तो अनलॉक कोड है आपका शिव10, इसको अप्लाई करें। इससे जितनी भी फ्री क्लासेस हैं गाइस, वो आप अवेल कर सकते हो। फ्री PDF आपको मिलेगा, जितना भी मटेरियल है, आपको अनलॉक कोड है शिव10, इसको अप्लाई करना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल का जो टाइम है गाइस क्लासेस का, पेपर वन का जो टाइम है आपका, वो है 9:30 AM। और पेपर टू की जो आपकी क्लास होगी कल, वो होगी 11:30 बजे, 11:30 AM। तो इन क्लासेस को आप सभी लोग अटेंड करें, काफी बेनिफिशियल होगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको इन क्लासेस से। एंड गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल आपका एक करियर काउंसलिंग सेशन है 12:30 बजे, जिसमें हमारे साथ में होंगी रविंद्र कौर मैम। तो 12:30 बजे आपका करियर काउंसलिंग सेंटर है सेशन है, जिसमें रविंद्र कौर मैम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ये, और काफी लंबा एक्सपीरियंस है इनको हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में। तो आपको बताएंगे कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कौन कौन सी करियर ऑप्शंस होते हैं आपके पास आफ्टर क्लियरिंग द नेट, कैसे इंटरव्यू को आपको फेस करना है, कौन सी कॉलेजेस में अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कल डिस्कस करेंगे 12:30 बजे। तो इस सेशन को भी आप सभी लोग अटेंड कीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जितने भी ग्रुप से हम, आप एक बार शेयर कर दो। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसको ध्यान से पढ़िए। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन ब्रिटिश इंडिया, हु आल्सो फाउंडेड द इकोनॉमिक्स मैगजीन एंड द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बताइए, इसका आंसर बताएंगे सब लोग, क्या होगा करेक्ट आंसर। ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री कौन माना जाता है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिन्होंने द इकोनॉमिक्स मैगजीन है उसका भी फाउंडेशन किया था, उसके भी फाउंडर है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके भी वो फाउंडर माने जाते हैं।
जेम्स वल्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हेनरी बेली या थॉमस वाइस। 15 सेकंड और 15 सेकंड में आप सबको इसका आंसर बताना है। सो बताइए, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन ब्रिटिश इंडिया, हु आल्सो फाउंडेड द इकोनॉमिक्स मैगजीन एंड द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जेम्स विल्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हेनरी बेले या थॉमस वाइस। ए बी सी या डी। तो अर्सी ने आंसर दिया है बी, अभिजीत ए, आरडी ए आंसर दे रहे हैं, जाकिया बानो बी, संदीप बी। ए और बी मोस्ट ऑफ द पीपल के आंसर आ रहे हैं। लेट्स सी किसका सही है। दोबारा से देखो, अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न इंडिया का ये। जेम्स विल्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हेनरी बेले या थॉमस वाइस। ए बी सी या डी। और जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ई, जेम्स विल्सन इज द वेरी करेक्ट आंसर। और अभिजीत का आंसर बिल्कुल ठीक है, हबीब अंसारी बिल्कुल करेक्ट, मनोज कुमार बिल्कुल करेक्ट, एंड बस 3-4 लोगों के आंसर ठीक है। ये आंसर क्या है आपका, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने ही गाइस आपका जो फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर माने जाते हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके ब्रिटिश इंडिया के, और उसके बाद में स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उसके भी फाउंडर माने जाते हैं, और एक इकोनॉमिक्स मैगजीन है गाइस उसके भी ये फाउंडर माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 3 फैक्ट्स हैं जेम्स विल्सन के बारे में जो आपको याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ई। जिसका भी ये आंसर है गाइस वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं। ओके, सुमित्रा मुखर्जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, जिसका भी आंसर ए है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और आप एक चीज और याद रखनी है गाइस कि जो पहला बजट सिस्टम है गाइस, है ना, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो आपके जेम्स विल्सन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। सात अप्रैल और 1860 को बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था आपका। बजट सिस्टम आज भी लागू है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला बजट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था 1860 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद, वाया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द क्राउन हैज अज्यूम द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाई दिस एक्ट ऑल लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर केम टू बी कंसंट्रेटेड इन विच अमोंग द फॉलोइंग। वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज काउंसिल या वाइसरॉय काउंसिल। 15 सेकंड और 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। सो बताइए, अठारह सो सत्तावन के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से जो क्राउन ने भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाली थी, इस अधिनियम के द्वारा सभी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित में से किसके बीच केंद्रित होगी। ए बी सी या डी। सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है मेरा सी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज काउंसिल। सो सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, है ना। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज काउंसिल, ये आपका 1815 एक्ट
का जो एक्ट आया था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसके तहत एक पोस्ट क्रिएट की जाती है और एक काउंसिल बनाई जाती है 15 मेंबर काउंसिल का, ठीक है, 15 मेंबर काउंसिल जो इसको क्या करती थी, असिस्ट करती थी, और ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, और काफी लोगों ने आंसर ठीक भी दिया है, सो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके कुछ मेन फीचर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं गाइस, है ना। मेन फीचर्स आप देख लीजिए, पहला फीचर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया गया था, यानी उसका जो शासन है वो खत्म हो गया था, क्राउन रूल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में जो इंडियन टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश महारानी के नाम पे यहाँ पे राज गवर्न करने लगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, दोनों को खत्म कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट कर दी गई, है ना, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पीएम होता था और 15 मेंबर काउंसिल इसको असिस्ट करती थी। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लाई गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्क्रीनशॉट प्लीज आप ले लीजिए, और पहले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन माने जाते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन माने जाते हैं, लॉर्ड स्टैनली, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आ मैनिफेस्टो नोन एज फिलोसफी ऑफ बोम वॉज ब्रॉट आउट बाई विच अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो फिलोसफी ऑफ बोम एक मैनिफेस्टो था, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया था, गदर पार्टी के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, या जुगांतर के द्वारा। 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है, तो बताओ। A manifesto known as philosophy of the bomb was brought out by which among the following organizations? गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या जुगांतर, ए बी सी या डी, आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अ मैनिफेस्टो नोन एज फिलोसोफी ऑफ बोम कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया था, और टोपी बम ए आंसर दे रहे हैं, अभिजीत सी, मनोज कुमार ए, पी राठौड़ ए, सैमा ए, कुछ लोग ए बी सी सब ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी आंसर क्या होगा आपका। और जो सही आंसर है गाइस वो इस क्वेश्चन का है आपका सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एच एस आर ए। और काफी लोगों ने आंसर ठीक दिया है, अक्षिता शर्मा, शुभम, संदीप कुमार, सुमित्रा मुखर्जी, भाग्यश्री मिश्रा, अभिजीत, वेरी गुड। और जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा आपका फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लाई जाती है, तो याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, और जो एक किताब भी आई थी गाइस गाइस आपकी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, और वो किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी, भगवती चंद्र बोरा के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है, एक बुक थी आपकी फिलोसफी ऑफ बोम, उसके ऑथर का नाम भी आपको याद रखना है, भगवती चंद्र बोरा, चंद्र बोरा, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, जिसका भी सी है गाइज वो 2+ अपने स्कोर में कर सकता है और आगे बढ़े गाइज, ठीक है। तो गाइज एक बार आप सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, एवरीवन जितने भी लोग हैं एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर करो फटाफट से एवरीवन, ठीक है, और एक बार लाइक का बटन आप जरूर दबाएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन जुलाई 31st, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ो इस क्वेश्चन को, ऑन जुलाई 31st 1937 गांधी हैज पब्लिश एन आर्टिकल इन द हरिजन. बेस अपॉन दिस आर्टिकल एन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन अक्टूबर 23 एंड 22nd 1937 विच वाज कॉल्ड द वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. All of the following resolutions were taken at the Vardha Educational Conference. One, identity debt from given option. जो Vardha Scheme of Education आप higher education में भी पढ़ते हैं guys, ठीक है? तो आप इसका आंसर बताओ मुझे कि करेक्ट आंसर क्या होगा guys, ठीक है? आपके पास में है चार ऑप्शन. Free and compulsory education to be provided for 7 years at national scale. Mother tongue should be the medium of instruction. Throughout this period of 7 years, the education should be focused around India's rich culture, heritage, and proud history. The system would generate the remuneration of the teachers. हिंदी में भी पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. 15 सेकंड है आपके पास में और 15 सेकंड में आप सबको आंसर देना है. सो बताइए एवरी वन इसका आंसर दीजिए, ए बी सी या डी. और ये आपके हायर एजुकेशन के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो बताओ करेक्ट आंसर आपको बताना है एवरीवन. जो 1937 में गाइस वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई थी उसके बारे में क्वेश्चन है. सो बताओ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन. जिसको हम नई तालीम भी बोलते हैं. बुनियादी शिक्षा के रूप में भी ये जाना जाता है गाइस. सो द करेक्ट आंसर क्या है गाइस, करेक्ट आंसर है आपका सी. सी इज द करेक्ट आंसर और जाकिर हुसैन कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपकी ये आता है गाइस, है ना? और तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है. तो आंसर क्या है आपका सी. Is the correct answer, ठीक है? Throughout the period of 7 years, the education should be focused around the India's rich culture, heritage, and proud history. So C is the correct answer. याद रखना है, भूलना नहीं है. और कमिटी का नाम भी आपको याद रखना है. जाकिर हुसैन कमिटी थी आपकी. कमिटी कौन सी थी? जाकिर हुसैन कमिटी. जिसके रिकमेंडेशन पे ये आता है, guys. ठीक है? और इसको नई तालीम भी हम बोलते हैं. इसको भी आपको याद रखना है, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा. और ये आपका हायर एजुकेशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर एवरीवन? तो सी इज द करेक्ट आंसर. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि सी कैसे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रीडिंग. चोरी चोरा इंसिडेंट, मोपला रेबेलियन, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी या ऑल ऑफ द अबव. 15 सेकंड बताइए. Which of the following event took place during the viceroyship of Lord Reading? Chori Chora incident, Mopla rebellion, formation of Swaraj party ya all of the above? Answer dijiye, kya hoga correct answer. 15 second aapke paas mein, 15 second mein aapko sabko answer dena hai. Dijiye A, B, C ya D. Sahi uttar kya hoga? तो टोपी बाम का पहला आंसर आया है डी, अभिजीत डी. ऑलमोस्ट सभी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं. लेट्स सी क्या होगा करेक्ट आंसर. वो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका डी. डी इज द वेरी करेक्ट आंसर. ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो लोड रीडिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो गाइस 1921 से 1926 तक होता है. सबसे पहले तो ये याद रखना है.
क्या क्या चीजें इनके टाइम पे हुई थी, एक तो रोलेट टैक्स को खत्म कर दिया गया था, एक प्रिंस ऑफ वेल्स है जो भारत की विजिट करते हैं नवंबर 1921 में, एक आपका मोपला रेबेलियन है वो हुआ था केरला में, केरला की कोस्ट पे, एक फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी आपकी होती है 21 में, एक काकोरी ट्रेन रोबरी होती है 1925 में, एक चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 1922 में। तो सारे के सारे जो इंसिडेंट हैं वो आपके लोड रीडिंग के टाइम पे ही होते हैं जितने भी आपके ऑप्शंस में। सो जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में कर लीजिएगा इसे, ठीक है। डी इज द वेरी करेक्ट आंसर और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे क्या क्या चीजें आपकी हुई थी, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट आपको दी है और फटाफट से देख लीजिए एक बार, हम इसको रिवीजन कर लेते हैं जितने भी आपके वाइसरॉयज थे। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या होता है गाइस, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स को खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद में लॉर्ड लॉरेंस आते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है, एंग्लो भूटान वार होता है, लॉर्ड मेयो आते हैं, इनके टाइम पे क्या क्या चीजें होती है। एक तो फर्स्ट सेंसस आपका होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। एक आपका मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है इनके टाइम पे, इसको भी देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद में गाइस आपका जो फर्स्ट सेंसस होता है मेयो कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इनके टाइम पे होता है और ये ऐसे गवर्नर होते हैं जिनको ऑफिस के दौरान इनको मारा जाता है एक अफगान के द्वारा, अफगानी के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, इनके टाइम पे भी आपका सिविल मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज आया था, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट आता है आपका, और लॉर्ड लिट्टन आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, लॉर्ड रिपन आते हैं जिनके टाइम पे आपका इल्बर्ट बिल आएगा, उसके बाद में लॉर्ड डफरिन आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी, लॉर्ड लेंस डाउन कल भी हमने पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, लॉर्ड इंग्लिन आता है, ठीक है, चापेकर ब्रदर इसको मार देते हैं, है ना, और लॉर्ड कर्जन आएगा आपका, रेले कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड मिंटो, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हो जाएंगे आपके, उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग है, मेसोपोटामिया कंपेन, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है 1916 में, उसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड लोरेक्ट एक्ट आएगा, लॉर्ड रीडिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, स्वराज पार्टी, चोरी चोरा इंसिडेंट, इरविन आएंगे, लॉर्ड विलिंगटन आएंगे, लेलिंगथो आएंगे, लॉर्ड वेबल आएंगे और फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको ध्यान से आपको पढ़ना है कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे कौन कौन सी घटना भारत में हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन फरवरी 1943 महात्मा गांधी अंडरटुक द 21st डे फास्ट इनटू जेल, कौन सी जेल में क्यों उन्होंने 21st डे का फास्ट रखा था। कंडेम द पीपल फॉर वायलेंस इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, कंडेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस, ठीक है, फॉर द वायलेंस ऑफ अदर, है ना, अटोन फॉर द वायलेंस ऑफ अदर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3, बताइए आंसर। एवरीवन इसका आंसर बताइए सब लोग। यस, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे डिटेल में। बताओ आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इन फरवरी 1943 महात्मा गांधी अंडरटुक द 21st डे फास्ट इनटू जेल, ए बी सी या डी, सही उत्तर बताना है क्या होगा आपका। 15 सेकंड आपके पास में है, 15 सेकंड में उत्तर देना है सबको। सो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 and 3, ठीक है। इसको देखिए, एक तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस, सबसे पहले तो है ना,
और दूसरों की हिंसा के लिए भी उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए भी ये आपका किया था गाइस, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। सो जिसका भी आंसर बी है गाइस, 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन, द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर कमिटेड इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, दिस कमेंट बाई द जे जे मैक लोएड पॉइंट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग वॉर्स, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, सेकेंड एंग्लो अफगान वार, थर्ड एंग्लो अफगान वार या फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 15 सेकेंड है और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है, सो बताइए आंसर। द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर कमिटेड इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, दिस कमेंट बाई द जे जे मैक लोइड पॉइंट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग वॉर्स, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, द थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ए बी सी या डी, द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर कमिटेड इन द होल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दिस कमेंट बाय जे जे मैकलियोड पॉइंट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग वॉर्स, ए बी सी या डी। अक्षिता शर्मा बी, सुबह स्मिता बी, श्वेता पांडे सी, संदीप बी, बी और सी मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर दे रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ई, ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो कब से कब होता है आपका 1839 से लेके और 1842 के बीच में आपका ये होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जिसको अपन ओकलैंड फोली भी बोलते हैं, ओकलैंड फोली भी बोलते हैं, और इसी को ब्लंडर बोला गया है इतिहास में जे जे मैकलियोड के द्वारा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी ए आंसर है गाइस 2+ अपने स्कोर में करें और आगे बढ़े। क्लियर एवरीवन? और अरुणिमा का बिल्कुल ठीक है, एंड सिर्फ अरुणिमा का आंसर ठीक है, श्वेता पांडे का ठीक है, अर्चना सिंह और मनोज कुमार, बाकी सब के आंसर गलत है। आंसर इज ए, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार को बोलते हैं ऑकलैंड्स फोली, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following wars were the provisions of the Rowlatt Act? जो आपका Rowlatt Act था गाइस, उसके क्या क्या provisions हैं आपके? Stricter control of the press, arrest without warrant, indefinite detention without trial, in camera trial of the political prisoners. Select the correct statement from the quotes given below. Only 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4. 15 second, correct answer बताइए। Which of the following wars were the provisions of the Rowlatt Act? Sticker control of the press, arrest without warrant, indefinite detention without trial, in camera trials of political prisoners या select the correct statement from the quotes given below. Only 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 and 4. A, B, C या D. आपको रोलेट सत्याग्रह के बारे में, रोलेट एक्ट के बारे में स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन से उसके लिए सही है। सो गाइस जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है मेरा डी, 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर।
तो याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है इसमें से, और इसको ब्लैक एक्ट भी हम बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं गाइस। इसके खिलाफ गांधी जी ने रोलेक्स सत्याग्रह चलाया था। तो ये चीज आपको याद रखना है, सबको काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए गाइस सब लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिसको आप डिटेल से इसको पढ़ लेना है, और जो भी आपको इश्यूज होंगे आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया। हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनसंघ, स्वराज पार्टी, और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओनली 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2, 3। 15 सेकेंड है आपके पास में, और 15 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। Which among the following organizations came into existence only after freedom of India? Hind Mazdoor Sabha, Bharatiya Jan Sangh, or Swaraj Party? Only 1, 2 and 3, 1, 2 या 1, 2, 3? इसका आंसर बताएंगे आप सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? Which among the following organizations came into existence only after freedom of India? Hind Mazdoor Sabha, Bharatiya Jan Sangh, Swaraj Party. Only 1, 2 and 3, 1, 2 या 1, 2, 3? So अर्सी आंसर ए दे रहे हैं, जाकिया बानो सी, अक्षिता ए, अरुणिमा घोष सी। So जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ओनली 1 एंड 2। हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनसंघ, स्वराज पार्टी का जस्ट अभी हमने डिस्कस किया गाइस 1921। इसको भूलते क्यों हो आप? अगर तीन को निकालोगे तो अपने आप आंसर आपका सी आंसर आएगा, ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखिए, आप भूलना नहीं है सबको, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्वराज पार्टी 1921 में आती है। क्लियर? तो जिसने डी आंसर दिया एक बार देखिए कि स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, 1921 में, अभी डिस्कस किया था हमने। सो हिंद मजदूर सभा दिसंबर 1948, हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनसंघ 1951, और स्वराज पार्टी 1922, ठीक है। तो जिसका भी आंसर सी है वो 2+ अपने स्कोर में करे और गाइस आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये थोड़ा सा बीच में हमारा एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट आई होप आप कर लोगे इसको। ये बीच में एक गलती से क्वेश्चन आ गया गाइस आपका एंशियंट इंडिया का, तो इसको भी आप आंसर दीजिए। द इंपोर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन वर वीट एंड बार्ले, फायर एल्टार्स वर डिस्कवर्ड एट कालीबंगन, कॉपर एंड ब्रोंज वर द बेसिक मेटल्स यूज बाय द इंडस वैली पीपल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2, 3। और 15 सेकेंड है आपके पास में, और 15 सेकेंड में सबको आंसर देना है। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंपोर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन वर वीट एंड बार्ले, फायर अल्टार्स वर डिस्कवर्ड एट कालीबंगन, कॉपर एंड ब्रोंज वर द बेसिक मेटल्स यूज बाय द इंडस वैली पीपल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या 1, 2, 3?
इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको बताने की करेक्ट कौन सा है गाइस। तो सही आंसर क्या है मेरा, जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डी, यानी सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट गाइस। ठीक है, तो मेन क्रॉप्स, कौन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो वीट एंड बार्ले थे आपके, ठीक है, गेहूं और जो, उसके बाद में आपका फायर अल्टार्स भी आपको मिले हैं गाइस, और उसके बाद में कॉपर एंड ब्रोंज वर द बेसिक मेटल यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी, सारे के सारे ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। भाग्यश्री मिश्रा का बिल्कुल करेक्ट है, प्रियम बदा कमी बिल्कुल करेक्ट, अरसी का बिल्कुल सही है, तो याद रखिए गाइस डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्यों नहीं था, ये क्या है गाइस, ये डी ही है, मुझे तो डी दिख रहा है, आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा गाइस, ये डी ही है, 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी स्लाइड में है संदीप जी, इसी स्लाइड में है, आप ढंग से देखिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना सब लोग, और इसमें मेन मेन टाउन्स के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लूथल, कालीबंगल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और चौंदरो, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है मेन मेन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इन विच ईयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज मेड अ परमानेंट बॉडी, कौन से ईयर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एज अ परमानेंट बॉडी डिक्लेयर किया गया था, 1902 में, 1861 में, 1906 में या 1910 में, 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आपको आंसर बताना है, सो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। इन विच ईयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज मेड अ परमानेंट बॉडी, 1902, 1861, 1906, 1910, ए बी सी या डी। इन विच ईयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज मेड अ परमानेंट बॉडी, 1902, 1861, 1906, 1910। इन विच ईयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज मेड अ परमानेंट बॉडी, 1902, 1861, 1906 या 1910, ए बी सी या डी। और गाइस जो आपका सही आंसर है वो है सी, 906 इज द करेक्ट आंसर, 1906 है आपका करेक्ट आंसर, इसको याद रखना है आप सबको, भूलना नहीं है गाइस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज founded in the year 1861 by the Alexander Cunningham, और 1906 में इसको permanent body बनाई जाती है। ठीक है, तो answer क्या है आपका, C, मैंने D बोला, C बोला है आपको, C is the correct answer। ठीक है, 906, और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं आपके, अलेक्जेंडर कनिंगम, तो याद रखना है, भूलना नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, और जिसका भी आंसर सी है वो 2+ अपने स्कोर में करें एंड गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये है आपके अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रोट अ प्ले नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रोट अ प्ले नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, शंभूपाल, ईश्वर चंद्र रॉय, हरीश चंद्र मुखर्जी या दीन बंधु मित्र। नील दर्पण जो प्ले है गाइस
किसके द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। Who among the following personalities wrote a play नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। नील दर्पण जो नाटक है गाइस, ये किसके द्वारा लिखित है प्ले? शंभूपाल, ईश्वर चंद्र रॉय, हरीश चंद्र मुखर्जी या दीनबंधु मित्र? ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर आपको बताना है। और आपके पास में है 15 सेकंड और 15 सेकंड में आप सबको आंसर देना है। सो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रोट अ प्ले नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स? शंभूपाल, ईश्वर चंद्र रॉय, हरीश चंद्र मुखर्जी या दीनबंधु मित्र? ए बी सी या डी। बताइए। और आरडी का बोलना है कि सर ये क्वेश्चन इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था। गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेंगे। और सही आंसर है गाइज मेरा डी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा आपका ये जो नील दर्पण है वो आपका लिखा गया है, नील दर्पण, ठीक है। और ये नील की खेती के ऊपर लिखा गया है, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में आपका लिखा गया है 1859 में। और ये आपका यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखिए, भूलना नहीं है। 1859 नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग टाउन्स सिटीज ऑफ कर्नाटका इज मोस्ट फेमस फॉर द मोन्यूमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? गुलबर्ग, बेलगाम, गदगक या हम्पी? विच अमोंग द फॉलोइंग टाउन सिटीज ऑफ कर्नाटका इज मोस्ट फेमस फॉर मोन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर? गुलबर्ग, बेलगाम, गदग या हम्पी? 15 सेकेंड है और 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। सो बताइए सब लोग इसका आंसर दीजिए, 15 सेकंड आपके पास में, 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। विच अमंग द फॉलोइंग टाउन सिटीज ऑफ कर्नाटका इज मोस्ट फेमस फॉर द मोन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर? गुलबर्ग, बेलगाम, गडक या हम्पी? ए बी सी या डी। गुलबर्ग, बेलगाम, गदक या हम्पी? ए बी सी या डी। एंड गाइस जो करेक्ट आंसर है मेरा वो है आपका हम्पी, हम्पी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब हम्पी की बात करते हैं तो वहां पे क्या क्या आपकी फेमस चीजें हैं हम्पी में? तो हम्पी में है आपका एक तो विट्ठल स्वामी का मंदिर है, विट्ठल स्वामी, एक आपका हजारा टेम्पल है, हजारा रामास्वामी, ठीक है, एक आपका पार्वती टेम्पल है गाइस। तो बहुत सारे टेम्पल हैं जो आपके हम्पी के फेमस हैं, ठीक है। और ये है आपके हम्पी के फेमस टेम्पल्स, तो इसको आपको याद रखना है सबको, जो कि विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 अंडर द लीडरशिप ऑफ? दादा भाई नारोजी, सर सी शंकरन नायर, उमेश चंद्र बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी? 15 सेकंड और 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। So, बताओ इसका आंसर, बताएंगे सब लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नारोजी, सर सी शंकर नायर, उमेश चंद्र बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी?
वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी 1885 बॉम्बे में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सो सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, होमेश चंद्र बनर्जी। ये है आपके होमेश चंद्र बनर्जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, होमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये प्रेसिडेंट होते हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसमें 72 इंग्लिश एजुकेटेड डेलीगेट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद का बोलना है कि सर आपका क्लास बाइलिंगुअल में होता है क्या, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है। बिल्कुल मोहम्मद, आप हमारा जो क्लास होता है वो बाइलिंगुअल ही होता है, बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको प्लस पे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, प्लस पे आपका ज्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा मेरे से। तो जैसा माहौल, जैसा पैडागोगी अभी है वैसा ही हम प्लस पे पढ़ते हैं, प्लस में आपको ज्यादा थोड़ा सा फैमिलियर होना हो सकते हैं आप टीचर से, एक पर्सनल इंटरेक्शन आपका हो जाएगा टीचर से, ठीक है, तो ये आपको फायदा होता है प्लस पे। तो क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल ही होंगी आपकी, बिल्कुल दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। एंड गाइज मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि जब भी सब्सक्रिप्शन लें, या तो 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का लीजिए, 1 मंथ और 2 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपका कुछ भी सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि लोग 1 मंथ और 2 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इससे आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो 12 मंथ का या 24 मंथ का आपको सिलेबस लेना है, ठीक है, इससे कम मत लीजिए क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाएगा गाइज, है ना। तो एंड गाइज जब भी आप कोर्स लें तो रेफरल कोड आप मेरा ही यूज करें, शिव 10, क्योंकि तभी आप पर्सनलाइज गाइडेंस पा पाओगे, है ना। शिव 10 मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी, क्लियर, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट आप ये भी देख लीजिए कि पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे आपके डब्ल्यूसी बनर्जी, सेकंड के हैं दादा भाई नारोजी, और थर्ड के हैं आपके सर बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं, और फोर्थ सेशन के आपके प्रेसिडेंट है जॉर्ज यूल, और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द फेमस वैक्यूम सत्याग्रह ऑफ 1924-25? के टी मधवन, मल्हूर एस पद्मना, पनिकर, बलराम वर्मा या के केलपम, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1924-1925 के प्रसिद्ध वैक्यूम सत्याग्रह में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी आपकी? टी के माधवन ने, मल्हार एस पद्मनमा, पनिकर, बलराम वर्मा या के केलपम, सही आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हु अमोंग द फॉलोइंग प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द फेमस वैक्यूम सत्याग्रह ऑफ 1924-25? और जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है मेरा डी, के केलपम इज द वेरी करेक्ट आंसर, है ना। और काफी लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया है, अभिजीत निमाय, सुमित्रा आर डी, भाग्यश्री, वेरी गुड। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, के केलपम इज द करेक्ट आंसर, और जिसका भी सही है गाइस। टू प्लस आप कर लीजिए, ठीक है, और ठीक है जिसका भी सही है 2+ अपने स्कोर में कर लीजिए गाइस, ठीक है, और याद रखना है। और बाकी क्वेश्चन हम गाइस कल करेंगे ना, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है अपने पास में, तो बाकी आपके जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में गाइस आपका एक सेशन है जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल 12:30 पे आपका एक करियर काउंसलिंग सेशन है, जिसमें हमारे साथ में होंगी डॉक्टर रविंद्र कौर मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, काफी लंबा करियर है उनका एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको बताएंगे कि कैसे आपको नेट JRF के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपको एजुकेशन फील्ड में, इंटरव्यू कैसे देना है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विद रविंद्र कौर मैम, ओके। तो कल का आपका ये सेशन है,
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अन एकेडमिक कॉम्बैट। तो आपकी एक क्विज होने वाली है गाइस, एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जो कि 17 जनवरी को होगा 11 बजे। तो इसमें आपका 60 मिनट है, 40 क्वेश्चंस हैं, है ना। पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के होंगे इसमें, ठीक है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं गाइस, जिसमें आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं और आपकी जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक निकलेगी और इसका सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे प्राइजेस हैं जो आप जीत सकते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमिक कॉम्बैट को आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलने वाले हैं ऑन द 17 जनवरी 11 बजे। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, क्लियर एवरीवन। उसके बाद में गाइस, अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, है ना, और कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो मेरा रेफरल कोड है गाइस Shiv10, इसको अप्लाई करके आप जो प्लस कोर्स है उसको ले सकते हैं गाइस, ठीक है। 12:30 विल बी ऑन यूट्यूब और ऐप, यूट्यूब पे होगा ये वाला जो सेशन है आपका, ये यूट्यूब सेशन है, यूट्यूब पे, यूट्यूब ऑन यूट्यूब होगा ये सेशन आपका, ठीक है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें गाइस, या तो 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का आपको लेना है, क्योंकि इससे कम लोगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा और आपको इकोनॉमिकली भी वाइलेबल सबसे बढ़िया जो प्लान है गाइस वो 12 मंथ का ही है। और रेफरल कोड आपको याद रखना है Shiv10, ठीक है। जब भी आप कोर्स ले तो रेफरल कोड मेरा अप्लाई करें, इससे 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा और आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस है वो भी मेरे द्वारा दी जाएगी। मोहम्मद जी, आपको अभिजीत एंड संदीप हेल्प कर सकते हैं आप, है ना, इनसे पूछ लीजिए, ये आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, ओके। और ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्लस एक्स्ट्रा क्रेडिट्स आपके पास हैं तो आप क्रेडिट्स का भी डिस्काउंट पा सकते हैं, 10% का आपका क्रेडिट्स का भी डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस, ओके। और आपकी जो फीस है गाइस वो भरने वाली है, तो जिसको भी लेना है आप थोड़ा सा जल्दी लीजिए, है ना, क्योंकि आपकी फीस बढ़ जाएगी एक दो दिन के बाद में, आपकी फीस है 30-40% बढ़ने वाली है, ठीक है। तो जिसको भी लेना है आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी प्लस क्लास है, स्पेशल क्लासेस है, उनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आज की जो स्पेशल क्लासेस है गाइस, फ्री स्पेशल क्लासेस है, वो 8:30 बजे है आपकी पेपर टू की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और अनलॉक कोड है मेरा Shiv10, इसको अप्लाई करके जितना भी फ्री क्लास है, फ्री PDF है, वो सब आप अवेल कर सकते हैं। और कल का जो टाइमिंग रहेगा गाइस, पेपर वन का जो टाइमिंग है आपका वो है 9:30 बजे सुबह, और पेपर टू की जो क्लास होगी वो 11:30 बजे होगी ऑन अनअकैडमी। स्पेशल क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन सेशंस को भी आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आज के लिए।